हेलो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कक्षा 10 गणित है। समय 3 घंटे 15 मिनट। ये ओरिजिनल पेपर है हमारा, सेट नंबर 1 2023 का है, 822 DV है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, ये सब निर्देश दिए गए हैं। अब हम आएंगे, देखेंगे खंड अ। खंड अ में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। यहाँ पहला है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a बराबर, स्मॉल a बराबर दिया है कि मास है ए बी का गुड़े लस है, माने ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा सही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का गुड़ा जो होता है a गुड़े b, हम वाइट ले लेते हैं, तो a गुड़े b बराबर होता है दोनों का महत्तम और गुड़े दोनों का लघुत्तम। तो यहाँ हम देखेंगे a गुड़े b बराबर है मास है दोनों का गुड़े लस है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर d है वही सही हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा d सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, 173 परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। कह रहा है शून्योत्तर हो और कह रहा है पहला परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो। तो अगर हम परिमेय की बात करेंगे नंबर 2 वाले में, दूसरे प्रश्न में परिमेय हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसमें जब हम अपरिमेय से अगर भाग देते हैं चाहे कुछ भी ले लिया जाए, तो देखेंगे इसमें कैंडी रहेगी। इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात परिमेय और अपरिमेय का भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पहला दिया है प्राकृतिक संख्या, ये नहीं होगा। अपरिमेय संख्या बी दिया है, इसका मतलब है दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे, तो m बराबर यहाँ पर दे दिया है हमारा 5 है और n बराबर है करा m प्लस 7 है, m प्लस 7, तो यहाँ आएंगे इसके स्थान पर ये मान रखेंगे तो 5 + 7 हो जाएगा और 7 × 5 = 12 बन जाएगा, यानी हमें n का मान मिल गया और m का मान मिल गया। अब कह रहा है आगे, तो अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या कि अंडर रूट में m का मान दिया है, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा और n का मान 12 मिला तो 12 का स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा 5 × 25 + 144 और जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो 13 आएगा, हमारा आंसर 13 बनेगा। तो तीसरे का 13 देखेंगे सी में है, इसका मतलब तीसरा प्रश्न का जो आंसर आएगा वह हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, तो हमारा दे दिया है चौथा कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि ये स्टार लगा है, इसका मतलब ये अब इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा, तो हम आगे चलते हैं। 5वां दिया है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम जानते हैं कि अगर a1/a2 और ये बराबर होता है b1/b2 और यही बराबर यदि c1/c2 है, इसके अनंत या अपरिमित हल होंगे और करा रेखाएं समांतर होंगी। ये रेखा समांतर होगी, इसका मतलब है कि इन दोनों के कोई हल नहीं होंगे, तो पहला कैंसिल हो गया। दूसरा, रेखाएं समपाती होंगी समान अनुपात में, अर्थात हम देखेंगे यहाँ सबका अनुपात बराबर है, इसका मतलब रेखाएं समपाती होंगी, यानी बी सही हो जाएगा।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन नंबर सही होगा। फिर आगे आएंगे 6 नंबर, किसी संख्या का एक तिहाई 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मान लीजिए संख्या x है, उसका एक तिहाई मतलब 1/3 ये भी बराबर दे दिया है 21, तिरियक गुणा करेंगे तो x बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 63 हो जाएगा। और हम देखेंगे ऑप्शन 63 हमारा सी में है, इसका मतलब है 6 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण हमारा दिया है x² + 2x है और -p = 0 और x का मूल का मतलब x का मान, अब मूल दे दिया है -2, तो यहाँ रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा +2 × -2 और -p = 0 हो जाएगा। तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा और 2 × 2 = 4 मिल जाएगा, -p = 0 होगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और -p = 0 या p = हमें 0 मिल जाएगा। तो p का मान 0 a में है, इसका मतलब 7 का जो ऑप्शन है हमारा a सही हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं, दिया है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, तो दे दिया है स्टार लगा है, इसका मतलब ये भी इस वर्ष 2024 की परीक्षा में नहीं आएगा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। 9 दिया है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु 2-5 तथा -2-9 से समदूरस्त बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हमारा बिंदु क्या दिया है, x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब y का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आएंगे, एक बिंदु A दिया है 9 नंबर, एक बिंदु A का मान दे दिया है 2 और -5 है, दूसरा बिंदु हमारा B है और इसका निर्देशांक दे दिया है -2-9 है, -2 और 9 मिला, और कह रहा है x अक्ष, तो x अक्ष पर अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब यहाँ x का मान तो मिलेगा लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे एक ए बिंदु था, एक सी, एक बिंदु हमारा मान लीजिए ए और बी था, तो ये बिंदु सी है और इसका निर्देशांक ए 0 हो गया। अब कह रहा है इसके समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब जो ए सी है वह बी सी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो ए सी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो अंडर रूट में 2-a² प्लस -5 - 0² और ये बराबर हो जाएगा बी सी, इसके बीच की दूरी तो ये भी अंडर रूट में हो जाएगी, तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट में ही रहेगा 0-9² अब आगे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2-a² और प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, इधर आ जाएंगे तो इधर मिल जाएगा a प्लस 2² और 9 = 81 हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2-a² प्लस 25 ये बराबर होगा a प्लस 2² और प्लस 81 हो जाएगा। अब हमारा काम है इसको इधर ले जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, इसका वर्ग करेंगे 2 × 2 = 4 प्लस a स्क्वायर और -2 × 4 a बन जाएगा, ये आएगा तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 × 4 होगा लेकिन इधर आएगा इस साइड में तो ये माइनस बन जाएगा 4 और प्लस 2ab होगा तो इस साइड में आएगा तो -2 बन जाएगा, 2 × 2 = 4a। तो यहाँ पर बराबर हो गया ये 81 और 25 आके इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ a स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 4 4 से कैंसिल हो गया तो -4a - 4a मिलके -8a हो जाएगा और इधर घटा देंगे तो 11 में से 6 बचा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, a = -7 हो जाएगा और a का मान -7 हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में
ए का मान -7, 0, क्योंकि हमने निर्देशांक ए 0 माना था, तो -7, 0 हमारा बी वाला सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही बनेगा। आगे आते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो 10 दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो उसने कहा 10वां प्रश्न में कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए कि ये हो गया, एक ये हो गया, ABC। अब उसने कौन कौन सा बराबर कहा है कि दे दिया AB और AC बराबर है, A से B और A से C बराबर है। तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण B बराबर कोण C होगा, और कोण B बराबर कोण C हमारा C नंबर में दिया है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन बनेगा वो C सही हो जाएगा। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में स्टार लगा है तो ये भी परीक्षा में नहीं पूछेगा, 12 में स्टार लगा है ये भी नहीं पूछेगा, 13 नंबर में हम आ जाते हैं। तो 13 नंबर क्या दिया है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो, क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन ए बराबर है कॉस ए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया है कि ए बराबर 0, बी वाला 30, 45 और 60। चूँकि हम देखते हैं अगर इसको हल करेंगे तो इसको साइन में चेंज करना होगा, तो साइन 90 - θ लिखेंगे तो 90 - a बन जाएगा, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, a बराबर होगा 90 - a और a आएगा जुड़ जाएगा, तो 2a बराबर 90 होगा, और a बराबर निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे 45 आ जाएगा। तो कोण a का मान 45 होगा, और 45 हमारा ऑप्शन c है, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर c सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है, यदि a बराबर 30 अंश हो तो 1 + tan² / 1 + cot² का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 14। 14 दिया है हमारा कि कह रहा है यदि a बराबर 30 अंश है, तो आपसे कह रहा है कि 1 + tan² a और बटे 1 + cot² a, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम आएंगे 1 + tan² 30 अंश और बटे 1 + cot² 30 अंश लिखेंगे। टैन 30 का मान 1/3 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बनेगा, और काट 30 का मान कर्णी में 3/1 यानी कर्णी में 3 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 + 1/3 हो जाएगा, और नीचे 1 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे, त्रिक गुणा करेंगे, 3 × 1 = 3 / 4/3 और नीचे 4 हो जाएगा, तो 1/4 लिख सकते हैं, तो 4/3 होगा, ये पलटी मारेगा, 1 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा और 1/3 यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 1/3 हम देखेंगे हमारा डी है, इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, तो हम आ जाएंगे 15 में, तो मानेंगे पहले जो त्रिज्या थी वो r थी, बाद में जो त्रिज्या हो गई दोगुना हो गई, 2r बन गई। तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², इसका मतलब हो जाएगा पहला वाला 4πr² ये a1 हो गया, फिर a2 निकालेंगे तो 4πr² r2 माने 2r का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि R2 का मान हमने 2R ले लिया है। अब यहाँ ये आ जाएगा तो 2 × 4 बन जाएगा, तो 4 को इसको पहले लिख देंगे और बाकी हमारा बन जाएगा 4πr², और 4πr² को हमने कहा था A1, तो ये बन जाएगा 4A1,
तो ये बन गया हमारा ए टू। अब ये कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि निकालेंगे तो पहले ए वन था, अब चार ए वन हो गया, इसका मतलब अगर हम वृद्धि निकालते हैं तो ए टू में से ए वन को घटा देंगे, तो चार ए वन में से ए वन घटेगा तो बनेगा तीन ए वन। और हम जानते हैं कि एक ए वन होता तो 100% होता, तीन ए वन है इसका मतलब है कि 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे 300% हमारा सी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम 16 लेते हैं। तो 16 दे दिया है हमारा, स्टार लगा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन कह रहा है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया है, तो वृत्त की परिधि, व्यास और परिधि दोनों में समान अनुपात होता है, इसका मतलब 4/9 का ही अनुपात होगा, भी सही हो जाएगा। कह रहा है 17 नंबर है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब यहाँ पर हमें माध्य निकालना है यानी समांतर माध्य, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहीं आ जाते हैं तो इन दोनों को जोड़कर दो का भाग दे देंगे तो एक आ जाएगा, हमें एक यहाँ मिलेगा, हम ले लेते हैं पेन को, यहाँ पर एक आ जाएगा। और यहाँ पर अगला दे दिया है हमारा नंबर टू, 4 2 6 का आधा 3 होगा, फिर 6 4 10 का आधा 5 होगा, और 8 6 14 का आधा 7 हो जाएगा, और 10 8 18 का आधा 9 होगा। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 1 का 3 आ जाएगा, फिर आगे आ जाएंगे तो 1 3 3 मिल जाएगा, फिर अगला 5 5 25 मिल जाएगा, फिर आगे आएंगे 4 7 28 होगा, फिर अगला 7 9 63 हो जाएगा। सबको हम जोड़ लेंगे तो 3 3 6 5 11 19 1 20 2 22 2 हासिल 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। अब ये पूरा हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 5 16 1 17 18 19 20 हो जाएगा। यानी अब इसका हम भाग दे देंगे इसी 20 में तो हमें क्या मिलेगा, 2 का भाग देंगे 2 6 12 2 1 2, और चूंकि 1 0 है तो 1 अंक पर 0.5 लग जाएगा, 6.1 आएगा, और 6.1 हमारा ऑप्शन नंबर डी था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर दिया है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्यक होगा। तो हमारा बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 × माध्यक - 2 × माध्य, तो हमारा बहुलक दे दिया है 28, तो 28 लिख देंगे, 3 × माध्यक यानी माध्यक निकालना है, और माध्य दे दिया है 24.1, तो बनेगा 3 माध्यक और -2 1 का 2, फिर आगे आ जाएंगे 2 4 8 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, ये आएगा जुड़ जाएगा, तो बनेगा 3 माध्यक, ये बराबर होगा 28 + 48.2, तो 0.2 बनेगा, 8 8 16 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे अगर माध्यक, तो 3 का गुणा है तो 3 का भाग हो जाएगा, 3 2 6 3 5 15 3 4 12 25.4 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25.4 यानी ऑप्शन यहाँ पर हमें सी मिल जाएगा। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 19 को, तो 19 क्या दिया है, वर्ग अंतराल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 से 50, बारंबारता 11 21 23 14 और 5, उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है, और सबसे ज़्यादा इसमें हमारा 23 आया है, और 20 और 30 है, तो 20 और 30 हमें ऑप्शन बी में मिल जाएगा, तो हमारा ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 और 30, तो 19 का हमारा आंसर मिल जाएगा बी। अगला आएंगे 20, तो 20 में दिया हुआ है हमारा कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। अभी हमने सूत्र पाया कि माध्य माध्यक और बहुलक में हमारा सूत्र होता है बहुलक, ये बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और -2 माध्य, माध्य यही हमारा सूत्र होता है। तो हम देखेंगे बहुलक 3, ये गलत हो गया,
बहुलक बराबर होगा तीन माध्यक माइनस दो माध्य, यानी बी वाला सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीस का। इसके आगे हम देखेंगे सेक्शन बी में, जो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लिंक यानी डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जा करके या आई बटन से आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।